नमस्ते, मैं रोशन। आप देख रहे हैं रोशन कंप्यूटर। इस वीडियो में हम सीखेंगे माउस प्रैक्टिस। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माउस प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हमको पेंट खोलना होगा। तो पेंट खोलने के लिए हम कीबोर्ड से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पे स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या टाइप हेयर सर्च पे हम लिख सकते हैं पेंट के बारे में। यहाँ पे लिख सकते हैं PAINT, पेंट, ठीक है। अब इसको हम इंटर मार सकते हैं, या हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेंट, पेंट पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं, या हम यहाँ पे ओपन पर हम सिंगल क्लिक कर सकते हैं। एक बार आपको लेफ्ट बटन दबाना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट खुल जाएगा। तो चलिए पेंट खुल गया। अब तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो घर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे इस तरह ड्रा कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किए हैं तो यह हाईलाइट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे सब पे दिखाई नहीं दे रहा, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वह हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब इसको छोटा कर लेते हैं। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी कि एक जगह से खींच के दूसरे जगह ले जाना है। जहां पकड़ना है वहां पकड़ के जहां पे हम छोड़ेंगे वहां तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम इसको ठीक से ले लेते हैं। फिर से इसको मिटाने के लिए या तो हम इरेजर का उपयोग कर सकते हैं। एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम लोग कंट्रोल जेड दबा सकते हैं। तो कंट्रोल जेड दबाते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप पीछे आ गए। अब हम फिर से बनाते हैं इसको। हम त्रिभुज को लेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे ड्रैग कर लिए। अब हम इसमें एक और बार त्रिभुज लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिलेक्ट किए, इसको लगाएं यहाँ से। आपको केवल देखना है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे कीजिएगा, माउस प्रैक्टिस बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो आपको माउस चलाने का सबसे आसान तरीका हो जाएगा, पेंटिंग पे काम कीजिएगा। हम आपको पेंटिंग नहीं सिखा रहे, हम आपको क्या सिखा रहे हैं, माउस चलाने का प्रैक्टिस सिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आप भी बनाइए, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे बनाइए, जैसे जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे सिलेक्ट करते जाइए, ठीक है। अब हम चतुर्भुज लेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा डिस्प्ले हो जा रहा था, इसको और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ से हम जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से करते हैं। अब इसको यहाँ से एक और छोटा सा लाइन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एरो से, यहाँ से एरो से कर सकते हैं, फिर यहाँ से छोटा इसको कर सकते हैं, फिर इसको दरवाजा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यह ठीक हो गया। अब उसके बाद एक इसमें खिड़की बना लेते हैं। खिड़की बनाने के लिए हम यहाँ पे फिर से इसी को लेंगे, चतुर्भुज को यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे हम इससे ड्रॉ करते हैं। शिफ्ट जब पकड़ेंगे तो सीधा लाइन खिंचाएगा, शिफ्ट पकड़ के हम सीधा लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ हम एक खिड़की बना लेते हैं, फिर यहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे हम दे रहे हैं वैसे वैसे देखते जाइए, देते जाइए, ठीक है। फिर हम एक और खिड़की यहाँ भी बना लेते हैं आपका, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो आपका माउस प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम एक और लाइन ले लेते हैं, एक और यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, फिर एक और लाइन ले लेते हैं। ये आपका खिड़की बन गए, तैयार हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सीधा करने के लिए शिफ्ट को पकड़ सकते हैं, यहाँ पे सीधा करने के लिए शिफ्ट को पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पे एक दरवाजा बनाने के लिए यहाँ पे किले क्या होता है उसको किली लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे एक छोटा सा इसको भी लगा सकते हैं, यहाँ से इसको पतला भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद इसमें रंग भर सकते हैं, तो
मान लीजिए कि इसको कलर करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, देखिए हम जहाँ पे माउस कर रहे हैं उस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको जो हमको रंग क्लिक करना है वो हम भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको एक कलर ले लिए, ठीक है, इस तरह भर दिए, फिर अब अलग से एक और कलर ले लेते हैं, यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक कलर भर सकते हैं, फिर रेड लेके हम यहाँ भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद खिड़की के लिए उसी तरह छोड़ देते हैं, एक पीला लेकर यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हम नीला भर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह कीजिए आप भी, आप माउस एक घर बना के अच्छा सा सुंदर सा बनाइए, ठीक है। अब इसमें हम एक और शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे लाइनिंग खींच सकते हैं, यहाँ से हम क्लिक करेंगे यहाँ खींच सकते हैं, इसको आप कलर चेंज करना होगा, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से और लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन खींच सकते हैं, जैसे अपने अनुसार आप कर सकते हैं इसको, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, फिर एक और लाइन इस पे कर सकते हैं, यहाँ से आप मोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइज भी क्लिक करेंगे हम, जैसे अपने अनुसार हम भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब एक आपका घर बन के तैयार हो गया, इसमें एक हम चाहे तो और डिजाइन कर सकते हैं, जैसे सूरज बनाना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको पीला से हम रंग भर देंगे, ठीक है। अभी पीला छोड़ देते हैं, ब्लैक ही रंग देते हैं, ठीक है। अब हम प्रकाश बना लेते हैं अपने अनुसार, तो यहाँ से हम जहाँ से हमको पकड़ना है वहाँ से ड्रॉ करना है, छोड़ना है, ड्रॉ करना है, छोड़ना है, ठीक है। जैसे जैसे हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी कीजिए, ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा माउस का, ठीक है। तो हमारे साथ आप जैसे जैसे हम भी ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से खींच रहे हैं, जहाँ से पकड़ रहे हैं वहाँ से ही बन जा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको, अब फिर इसको कलर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूरज बन के तैयार हो गया, अब यहाँ से हम कलर कर सकते हैं, यहाँ पे हम पीला लिए यहाँ पे भर देते हैं, फिर इसको कलर करना है तो हम किसी भी एक पार्ट पे हम क्या करते हैं कलर कर देते हैं, तो ये मेरा सूर्य बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो अब ये आपका घर बन के तैयार हो गया, अब इसका इस पे नाम लिखना है, तो यहाँ पे ए पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जो भी कलर चाहिए वो कलर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं नाम, रोशन, यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे आपका घर बन के तैयार हो गया, अब माउस प्रैक्टिस का भी यह तीसरा वीडियो समाप्त हुआ, ठीक है। तो हम इसको सेव करना है इस पिक्चर को, तो हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे और एक क्या होगा कि घर नाम से हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो जी घर, ठीक है, हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह आप सीखे घर बनाते कैसे हैं, प्रैक्टिस आप सीखे कंप्यूटर में, ठीक है।